हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बॉटनी क्लासेस। आई एम डॉक्टर मंजुलता जोशी। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में हम एल्गी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है कारा एल्गी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ कारा को देखते हैं। इसको डिविजन क्लोरोफाइटा में रखा गया है और क्लास है क्लोरोफाइसी। इम्पॉर्टेंट क्लास है क्लोरोफाइसी, जिसमें कि सारी ग्रीन एल्गीज को रखा गया है। और इसका स्पेसिफिक फीचर होता है कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। ऑर्डर कारेल्स में इसको रखा गया है, फैमिली कारेसी और जीनस कारा। तो इस तरह से जो कारा का क्लासिफिकेशन है उसमें क्लास क्लोरोफाइसी आपको याद रखना है, क्लोरोफाइसी का ये मेम्बर है। नेक्स्ट देखते हैं अकरेंस ऑफ कारा। कारा इज अ फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा फाउंड सबमर्ज्ड इन शैलो वाटर पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स एंड स्लो रनिंग वाटर। कारा बाल्टिका इज फाउंड ग्रोइंग इन ब्रैकिश वाटर एंड कारा फ्रेजिलिस इज फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। कारा इज फाउंड मोस्टली इन हार्ड फ्रेश वाटर, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, कैल्शियम एंड डिफिशियंट इन ऑक्सीजन। तो कारा की अगर हम अकरेंस को देखें तो इट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन एल्गी। आपको हर जगह ये देखने को मिल जाएगी, ये फ्रेश वाटर एल्गी है। और इसमें आपने एक चीज़ और देखा होगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोन वर्ड करके, स्टोन वर्ड को डिफाइन करना है, तो स्टोन वर्ड कारा को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखिए, क्योंकि कारा प्लांट आर ऑफन इनक्रस्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड हेंस आर कॉमनली कॉल्ड स्टोन वर्ड। तो जो हार्ड वाटर में कारा की स्पीसीज पाई जाती हैं उन पर क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर लग जाती है, तो जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है, स्टोन वर्ड कहा जाता है। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है या फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि स्टोन वर्ड को डिफाइन करिए, तो वहाँ पर आपने कारा को डिफाइन करना है। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको एक मेन एक्सेस दिखाई देगी। मेन एक्सेस जो होती है नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइड होती है। तो नोड्स, दो नोड्स के बीच, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, इन दोनों नोड्स के बीच के बीच का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इंटर नोड। नोड और इंटर नोड दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया मेन एक्सेस। अब जो नोडल रीजन है, नोडल रीजन से आपके क्या होते हैं, ब्रांचेस निकली रहती हैं, लीव्स निकले रहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, और जो आपका मेन एक्सेस है वो ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो इस तरह से इसकी जो ब्रांच है वो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। लोअर पोर्शन को अगर हम देखें तो लोअर पोर्शन में इसके क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है कि इनके द्वारा कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के मेथड्स में, तो वहाँ पे राइजोइड्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देखिए, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको डिफाइन करा, इसमें क्या है, राइजोइड्स हैं, लोअर एंड्स पे ब्रांच, मल्टी सेलुलर, यूनिसीरिएट, ऑब्लिकली सेपरेट, नो नोड्स एंड इंटर नोड्स, अराइजेस फ्रॉम राइजोइडल प्लेट्स। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, नोड्स और इंटर नोड्स में ये डिवाइड नहीं होता है, जबकि स्टेम जो होता है वो नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइड होता है। देन मेन एक्सेस इसका इरेक्ट होता है, ब्रांच जो होता है डिफरेंशिएट इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। इंटर नोड जो होते हैं लॉन्ग है, सिंगल सेल है, इवेलुएट बाय कॉर्टिकेटिंग थ्रेड्स। नोड्स जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड सेल्स होती हैं वियर ब्रांचेस। अब इसमें दो तरह की ब्रांचेस मैंने डायग्राम में आपको बताया था, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिनको शॉर्ट लैटरल्स कहा जाता है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जिनको लॉन्ग लैटरल्स कहा जाता है। पहले हम ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को देखते हैं। प्राइमरी लैटरल्स, लीव्स और ब्रांचलेट्स अराइज फ्रॉम पेरिफेरल सेल ऑफ द नोड लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स अराइज शॉर्ट यूनिसेलुलर ब्रांचेस फ्रॉम नोड्स दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी लैटरल्स। सेकेंडरी लैटरल्स जो होते हैं वो इनमें स्टिपल्स होते हैं, और फर्टाइल जो ब्रांच होती हैं इनकी, इनमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे डायग्राम में कहाँ पर इसके सेक्स ऑर्गन्स लोकेट होते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जिनको लॉन्ग लैटरल्स कहा जाता है, अराइज फ्रॉम एक्सल्स ऑफ प्राइमरी लैटरल्स, अराइज सिंगल अनलिमिटेड ग्रोथ इनडेफिनेटली, नोड्स एंड इंटर नोड्स एंड कॉर्टिकेशन बियर्स प्राइमरी लैटरल्स।
अब इसका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि इसकी जो एक्सेस है वो नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड है, तो इसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, नोडल सेल्स एंड इंटरनोडल सेल्स। डायग्राम में भी आपको दिखाया है यहाँ पे, दिस इज नोडल सेल एंड दिस इज इंटरनोडल सेल। ठीक है, तो पहले हम नोडल सेल्स को देखते हैं। ये स्मॉल और आइसोडायमेट्रिक होती हैं, सेंट्रल में इनका न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट न्यूमरस, डिस्कॉइड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नो पायरोनोड्स आर फाउंड। और जो इंटरनोडल सेल्स होती हैं, दीज आर इलोंगेटेड लार्ज वैक्यूल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई पेरिफेरल, क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनली, साइटोप्लाज्म पेरिफेरल स्टेशनरी लेयर, एक्सोप्लाज्म इनर फ्लूडी एंडोप्लाज्म, और मूवमेंट इसमें साइक्लोसिस मूवमेंट होता है। जो सेल वॉल इनकी होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, म्यूसिलेज कवरिंग इस पे होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट की इस पे लेयर होती है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं, इसमें डिफरेंशिएट क्या, किस तरह से डिफरेंशिएट होते हैं। ये नोडल सेल है, ये इंटरनोडल सेल है। नोडल सेल जो होती है वो हेक्सागोनल इन शेप होती है, और इंटरनोडल सेल जो होती है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। इनमें मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसकी जो वैक्यूल है उस पे। जो इंटरनोडल सेल्स होती हैं उनका वैक्यूल लार्ज होता है, और जो नोडल सेल्स होती हैं उसमें बहुत सारे वैक्यूल देखने को मिलते हैं, और ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, नोडल सेल पे क्या होता है, न्यूक्लियस देखा जाता है, न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है, और जो इंटरनोडल सेल है, इंटरनोडल सेल की जो आउटर लेयर होती है उस पर क्या होता है, जिलेटिनस लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, कॉर्टिकेशन, इंटरनोडल सेल इनसीथेड बाय इलोंगेटेड कॉर्टिकेटिंग थ्रेड्स, threads consist of smaller cells, half of corticating arise from upper node and the other from lower node. Now reproduction को हम देखते हैं, reproduction is important exam के point of view से। ये question भी पूछा जा सकता है कि कारा में reproduction के methods को describe कीजिए, या फिर singly पूछा जा सकता है इसमें sexual reproduction को define कीजिए। अब एक चीज़ आप note करिएगा कि इसमें क्या होता है, केवल vegetative और sexual means से method, sexual method से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा में एब्सेंट रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, ये आपका एमाइलम स्टार्स के थ्रू होता है, बल्बस के थ्रू होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू होता है। पहले एमाइलम स्टार्स को देखें, ये क्या है, स्टार शेप्ड एग्रीगेट ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। सेल्स क्या होती हैं, साइज में थोड़ा एनलार्ज हो जाती हैं और एग्रीगेट हो जाती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, स्टार्च जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में रहता है। स्टार्च जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में रहता है, और जब ये क्या होंगे, फेवरेबल कंडीशन में अगर पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, तो इनसे फिर क्या हो जाता है, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एमाइलम स्टार जो है वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शॉर्ट नोट में खाली ये भी पूछा जाता है कि एमाइलम स्टार को डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट है बल्बिल्स। बल्बिस स्मॉल राउंडेड ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप ऑन राइजॉइड्स। देखिए बल्बिस जो होते हैं वो लोअर नोडल पार्ट पे भी होते हैं और राइजॉइड्स पे भी होते हैं। जो राइजॉइड्स पे बल्बिस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एमॉर्फस बल्बिस कहा जाता है। इन ये भी क्या होते हैं, अपने अंदर इनमें भी फूड जो होता है वो स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म में, और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये भी मेन प्लांट से डिटैच होने के बाद क्या करते हैं, एक नई प्लांट बॉडी को डेवलप कर लेते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये भी नोड्स पे या राइजॉइड्स पे पाए जाते हैं, प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर्स के हैं ये, और इन ये भी क्या करते हैं, डिटैच होने के बाद मेन प्लांट से एक नए प्लांट को डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या है, मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये हमने यहाँ पे देखा था। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ओगेमस टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्स ऑर्गन्स इसमें लार्ज विजिबल होते हैं। देखो जो कारा एल्गी है वो मैक्रोस्कोपिक एल्गी है, इट मीन्स कि हम इसे नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इसलिए इसके जो सेक्स ऑर्गन्स है उनको भी क्या करा जा सकता है, इजीली ये नेकेड आई से विजिबल होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एंथ्रीडिया या ग्लोब्यूल्स इसको कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ओगोनिया, जिनको की क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। ये दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछे जाते हैं, ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियस को डिफाइन कीजिए। तो ये कारा के क्या है, सेक्स ऑर्गन्स है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब कारा की कुछ स्पीसीज होती हैं होमोथेलिक होती हैं, और कुछ स्पीसीज हेट्रोथेलिक होती हैं। होमोथेलिक मीन्स मोनोशियस, यानी कि जो बोथ सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेम प्लांट पे होंगे, एंड हेट्रोथेलिक मीन्स डायोशियस, यानी कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, डिफरेंट प्लांट पे होंगे। अब इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स है उसमें न्यूक्लियस इज ऑलवेज अबव द ग्लोब्यूल, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है,
अब देखिए, अब इसका जो रिप्रोडक्शन है इसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसे इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। मेल ऑर्गन, इसमें जो एक सेल होती है वो एंथेलियल इनिशियल की तरह काम करने लगती है और उसका फिर न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है। दिस इज द एंथेलियल इनिशियल सेल, फिर इसका न्यूक्लियस जो डेवलप होगा और उसमें क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। इस तरह से ये क्या करेगा, चार न्यूक्लियस बना लेगा। उसके बाद फिर इसमें और डिवीजन होते हैं। डिवीजन होने के बाद इसमें क्या हो जाता है, सेंटर पे जो होती है वो कैपिटुलर सेल का डेवलपमेंट हो जाता है और आउटर सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से फिर जो आउटर सेल हैं उनमें और डिवीजन होगा, चार सेल से आठ सेल बन जाती हैं और यही आठ सेल क्या कहलाती हैं, शील्ड सेल्स कहलाती हैं। और उसके बाद जो शील्ड सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड मैनुपुलर सेल्स, और उसके अंदर जो होता है दैट इज़ कैपिटुलर सेल। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दीज आर शील्ड सेल्स, दीज आर मैनुपुलम एंड दिस दीज आर द प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। और जो प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स हैं उनकी बाहर जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स हैं उनसे फिर क्या होते हैं, जो आपके ये फ्रेगमेंट डेवलप हो जाते हैं, फ्लैजिलर डेवलप हो जाते हैं, एंथीलियम फ्लैजिलम इनको कहा जाता है। तो इस तरह से इनके अंदर फिर क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। एंथ्रोजॉइड जो होते हैं फिर वो लिबरेट हो जाते हैं और यही फिर क्या करते हैं, मेल सेक्स मेल स्पोर की तरह फंक्शन करते हैं। अब यहाँ देखते हैं इस इधर डायग्राम में फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। इसमें जो एक सेल होती है वो न्यूक्लियर इनिशियल्स की तरह काम करने लगती है, ओगोनियल इनिशियल इसको कहा जाता है, ओगोनियल सेल्स बन जाती हैं। फिर इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद जो अंदर की सेल्स हैं वो उनसे क्या होगा, ओगोनियम का डेवलपमेंट होता है और इसमें ट्यूब सेल और जो कोरोना सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। और बाहर जो सेल्स हैं उनमें क्या हो जाता है, जैकेट लेयर डेवलप करती हैं। इस तरह से फिर और डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के बाद इसमें क्या हो जाएंगी, टिप पे जो होती हैं ये फाइव कोरोना सेल्स डेवलप हो जाती हैं और जो इसके अंदर हैं ये क्या बन जाती हैं, ट्यूब सेल्स बन जाती हैं। तो इस तरह से इसमें पाँच कोरोना सेल और पाँच ट्यूब सेल्स देखी जाती हैं। और जो अंदर होता है इसके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फिर क्या करता है, डेवलप होता है और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है वो हम आगे देखते हैं। एंथीलियम मैंने भी आपको बताया, लार्ज स्फेरिकल रॉड, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, स्टल्स इसका पेडिसल कहलाता है। आउटर मोस्ट ऑफ द वॉल होती है, अभी मैंने दिखाया था डायग्राम में, शील्ड सेल्स जो होती हैं एट होती हैं, लार्ज क्लोजली फिटेड कर्व सेल्स ये होती हैं। और इस तरह से मैन्यूब्रम जो होता है वो सेंटर ऑफ द शील्ड सेल, रॉड शेप हैंडल लाइक सेल होता है, ठीक है। प्राइमरी कैपिटुला मोर और लेस राउंडेड सेल एट द एंड, इन टर्न क्रॉसेस सेकेंडरी कैपिटुला। डायग्राम में मैंने आपको समझाया था किस तरह से जो सेंटर पे चार सेल होती हैं उनको प्राइमरी कैपिटुलम कहा जाता है और फिर उसके बाद उसके बाहर जो सेल्स का डेवलपमेंट होता है उनको सेकेंडरी कैपिटुलम कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें एंथीलियम का डेवलपमेंट हो जाता है। डायग्राम में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स हैं, उसके बाहर जो है मैन्यूब्रम का डेवलपमेंट होता है, ये मैन्यूब्रम हो गया। और मैन्यूब्रम के अंदर फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके जो है एंथीलियम फिलामेंट का डेवलपमेंट हो जाता है। इन एंथीलियम फिलामेंट में फिर क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन होते हैं और फिर इसके अंदर से क्या बनते हैं, एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को देखते हैं, ये क्या है, ओगोनियम है। ओगोनियम का डेवलपमेंट भी मैंने आपको डायग्राम में समझाया, माइक्रोस्कोपिक शॉर्ट स्टॉक इसमें होता है, नोडल रीजन पे ये पाया जाता है। न्यूक्लियस इज और न्यूक्यूल इज ऑलवेज अबव द ग्लोब्यूल, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये आपका ग्लोब्यूल है और इसके ऊपर आपका न्यूक्यूल है। ट्यूब सेल फाइव होती हैं, कोरोना सेल टिप पे पाई जाती हैं, ये भी नंबर में फाइव होती हैं। एग जो होता है वो सेंटर पे होता है, यूनी न्यूक्लिएट होता है। रिच ऑफ फूड मटेरियल इसके अंदर जो होते हैं वो ऑयल ड्रॉप्स और स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं। तो इसका जो रिसेप्टिव स्पॉट होता है वो टिप ऑफ द एग होता है, हाइलाइन कहलाता है। अब देखिए मेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो गए, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो गए, एग का फॉर्मेशन भी हो गया और एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन भी हो गया। नाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिकम स्टार्ट, न्यूमरस बायोफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स लिबरेट आउटसाइड स्विम वाटर एंड रीच टू द न्यूक्यूल। ट्यूब सेल्स इलॉन्गेट नियर द टिप फ्रॉम नेक
नैरो सेंट्रल स्लिट ऑफ द कोरोना पासिस फॉर एंथ्रोजोइट। तो मैंने आपको बताया था टिप पर क्या होती हैं इसके, टिप पर जो होती हैं ट्यूब सेल्स होती हैं, ट्यूब सेल्स से ही क्या कर जाते हैं एंथ्रोजोइट जो है वो इन कर जाते हैं। और इस तरह से क्या होगा, केवल एक ही एंथ्रोजोइट जो होगा वो वॉल को पेनिट्रेट कर पाएगा और एक के साथ फ्यूज होकर जायगोट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए जो जायगोट है, जायगोट में जर्मिनेशन किस तरह से होता है, ये आपका डायग्राम है। इसमें ये देखिए जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, इसमें ऊसपोर वॉल होती है और एक क्या होता है डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो इसमें फिर क्या होगा, न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाता है और इससे क्या बन जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं, चार न्यूक्लियस बन जाएंगे और इन चारों में से जो होते हैं तीन जो न्यूक्लियस हैं वो क्या कर जाते हैं बाद में डीजेनरेट कर जाते हैं और एक न्यूक्लियस फिर क्या होता है डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलप करता है वो, इससे क्या बन जाते हैं प्रोटोनिमल इनिशियल और राइजोइड इनिशियल का डेवलपमेंट होता है। तो जो प्रोटोनिमल इनिशियल है, ये जो प्रोटोनिमल सेल्स है इससे फिर क्या होता है ये ऊपर की ओर डेवलप करेगा, मेन एक्सिस का डेवलपमेंट होता है, स्पिनोड्स और इंटरनोड्स का डेवलपमेंट हो जाता है और जो राइजोइडल इनिशियल है इससे क्या हो जाता है राइजोइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक जायगोट से फिर क्या बन जाता है आपका कारा का एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें तारा के प्लांट का डेवलपमेंट होगा, अपर वाला इससे जो होगा वो मेन एक्सेस का डेवलपमेंट हो जाता है और नीचे से क्या होता है राइजोइड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कारा एल्गी को स्टडी किया, कारा एल्गी का क्लासिफिकेशन, उसकी अकरेंस और उसमें डिफरेंट मीन ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने स्टडी किया। आई होप इस लेक्चर के द्वारा आपको ये कारा के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।